अक्षय कुमार ने शुरू की पृथ्वीराज की शूटिंग। यशराज फिल्म स्टूडियो में तैयार किया गया भव्य सेट। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर बन रही फिल्म पृथ्वीराज के लिए अक्षय कुमार ने शूटिंग शुरू कर दी है। शूटिंग के लिए यशराज फिल्म स्टूडियो के अंदर ही एक भव्य सेट तैयार किया गया है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर के तमाम काम धंधे ठप कर दिए थे। हालांकि अनलॉक के बाद धीरे धीरे चीजें खुल रही है और चीजें फिर से पटरी पर आ रही हैं। बॉलीवुड में भी कई महीनों तक काम बंद रहा। कोरोना वायरस की वजह से कई फिल्मों की शूटिंग भी रुक गई। इन्हीं फिल्मों में एक फिल्म थी यशराज फिल्म्स की बैनर तले बन रही पृथ्वीराज, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में हैं। इस मूवी का एक बड़ा हिस्सा फिल्माया जा चुका था, लेकिन तब तक कोविड-19 के चलते इसकी शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ गया था। हालांकि अब अक्षय कुमार वापस शूटिंग पर लौट चुके हैं। यह शूटिंग यशराज फिल्म स्टूडियो के अंदर ही शूट होगी। खबरों की माने तो स्टूडियो के अंदर ही एक शानदार सेट तैयार किया गया है, जिसमें सभी सुरक्षा नियमों और सावधानियों को बरतते हुए शूटिंग पूरी की जाएगी। फिल्म पृथ्वीराज महाराजा पृथ्वीराज चौहान की पराक्रमी जीवन पर आधारित है। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के बड़े बजट की फिल्म मानी जा रही है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार और सोनू सूद दोनों ने ही 10 अक्टूबर से शूटिंग शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि शूटिंग को बहुत तेजी से पूरा किया जाएगा, जिसके लिए सभी लोगों को नॉन स्टॉप काम करना होगा। मानुषी छिल्लर, जो 2017 की मिस वर्ल्ड और इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं, वे भी 13 तारीख से फिल्म की शूटिंग में शामिल होंगी। हालांकि संजय दत्त अपने हिस्से की शूटिंग दिवाली के बाद पूरा करेंगे। मालूम हो कि संजय दत्त अभी लंग कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने बताया कि हमने फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग इर्फ के अंदर ही करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, पूरी टीम बेहद उत्साह और तेजी के साथ काम पूरा कर रही है। मानुषी छिल्लर इस फिल्म में संयोगिता का किरदार निभा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थीं।